नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है हरा पनीर, जो कि हम बेक करके बनाएंगे। पनीर की सब्जी, पनीर की डिशेस सबको बहुत पसंद होती हैं। मटर पनीर हो, पालक पनीर हो, मुगलाई पनीर हो, पनीर टिक्का हो, पर आज जो पनीर बना रही हूँ बहुत ही अलग है, बहुत अलग सामग्रियों से बन रहा है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं हरा पनीर बेक किया हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले मूंगफली के दाने ले लिए एक कप और उनको सूखा भून लिया, कोरा, बिना घी डाले, बिना तेल डाले, इनको हल्का हल्का भून लिया। जब मूंगफली थोड़ी सी फूल जाएंगी तो उसके बाद हम उसमें से हमें पता चलेगा कि छिलका हट रहा है, तो हम इसको छिलका हटाने के लिए भून रहे हैं। तो हम इनको भूनते रहेंगे और जब अच्छे से मूंगफली थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए, हल्की भूरी हो जाए, तब तक भून लेंगे। एक बार मूंगफली सब भून गई तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने देंगे। जब मूंगफली ठंडी हो जाएगी तो हथेलियों के बीच में से रगड़ते हुए मूंगफली के छिलकों को जितना हो सके उतना हटा देंगे। उनको फटक के, उनको किनारे करके मूंगफली में से छिलके निकाल देंगे, क्योंकि छिलकों से स्वाद थोड़ा बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि मूंगफली बिना छिलकों की हमारे पास हो। यदि आपको बाज़ार से छिली हुई मूंगफली मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं भुनी हुई। अब इसके बाद आती है पनीर की बारी। सबसे पहले पनीर को आप लीजिए, उसको 1x1 इंच के टुकड़ों में काट लीजिए। पनीर आप बाज़ार से ले सकते हैं, आप चाहे तो घर में बना सकते हैं। 400 ग्राम पनीर लिया है मैंने, तो 400 ग्राम पनीर को 1x1 इंच के टुकड़ों में काट लिया। अब उसके बाद इन टुकड़ों को एक बर्तन में डाला और उसमें डाला 3/4 टीस्पून नमक, या स्वाद अनुसार आप डाल लें, और फिर 2 टेबल स्पून नींबू का रस। इस तरीके से हम इसको नमक और नींबू में मैरिनेट कर रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से मिला लीजिए ऊपर नीचे करते हुए। पनीर में नमक और नींबूओं को मिला लीजिए पनीर के टुकड़ों में, और इसको 20 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए। कुछ मसाले हैं, हरी इलायची लेनी है हमने, 3 हरी इलायची ले ली, 6 लौंग ले लिए, और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। इन चीज़ों को भी हमने पीस लेना है। अब जो हमने बात करी थी कि हरा पनीर बना रहे हैं, तो हरी धनिया को आप मोटा मोटा काट लीजिए धो करके। तो 250 ग्राम हरी धनिया, 100 ग्राम पुदीने के पत्ते, करीब 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक के टुकड़ों का, हरी मिर्च 8-10, या आप अपने स्वाद अनुसार जैसी आपको पसंद हो वो ले लीजिए। और जो भुनी हुई मूँगफली हैं जिनको छिलका हटा दिया था हमने, उनको, इन सबको एक ग्राइंडर में डालिए और अच्छे से पीस लीजिए। अब इसमें डालिए पिसा हुआ सूखा मसाला और 3/4 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से इन चीज़ों को मिला लीजिए हरे वाले मिश्रण में। अब एक माइक्रोवेव सेफ बर्तन लीजिए और उसमें एक परत इस हरे मिश्रण की बिछा लीजिए। इस हरी परत के ऊपर अब हम एक परत डालेंगे पनीर की, और पनीर की पूरी परत डालने के बाद फिर से हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। छोटा बर्तन है तो आप 2-3 परतें बना सकते हैं, बड़ा बर्तन है तो 2 परतों में भी काम चल जाएगा। और इस प्रकार ये ध्यान रखना है कि हमें अंत में जो परत होनी चाहिए हमारी, वो हरे मिश्रण की होनी चाहिए सबसे ऊपर। तो सारे पनीर हरा मिश्रण, पनीर हरा मिश्रण पनीर, इस तरीके से करते हुए परतें बना ली हमने, और आखिरी परत जो है वो हमारी हरे मिश्रण की हो गई। इसके ऊपर अब हमने टमाटर के छल्लों को ऊपर काट के लगा दिया है। बहुत अच्छा स्वाद लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है, तो इसको हमने इसके ऊपर फैला दिया सारे मिश्रण के ऊपर। 1 टेबलस्पून तेल लेना है, उसको धीरे धीरे करके चारों तरफ बर्तन में किनारे से डाल लिया। बस 1 टेबलस्पून तेल लगा है इस पूरे रेसिपी में। अब इसे माइक्रोवेव में 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए
रख दीजिए। 15 मिनट बाद आपका स्वादिष्ट बेक्ड हरा पनीर एकदम तैयार है। इसे आप गरम गरम परोसिए। इसका आनंद आप रोटी पराठे किसी के भी साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे ही स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई रेसिपीज मिलती रहें। धन्यवाद।